देखिए एक बात तो मैं पहले बता दूं कि घटना एक बहाना थी, ऐसा थोड़ी है कि नई घटना है। गुजरात या किसी स्टेट के लोग जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ ये घटना नहीं घटती है। दामिनी और निर्भया के बाद 42% बलात्कार दिल्ली में बढ़ गए, कोई एक घटना नहीं। आखिर इसके पीछे राजनीतिक साजिश क्या है और इस राजनीतिक साजिश के पीछे बिहार और यूपी को पूर्वांचल कोई निशाना क्यों बनाया गया? आप राजनीति हमेशा राजनीति में निशाना जब भी जहाँ देखिए, कभी मणिपुर में, कभी नागालैंड में, कभी आप बाला साहब ठाकरे के पहले से लेकर के आज तक आप बॉम्बे के हाल को देखिए और उसके बाद अब गुजरात में जहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस में आप जाके चुनाव लड़ते हैं, सभी जगह आप देश का वोट लेते हैं। गुजरात इस देश के बाहर, गुजरात का जो डेवलपमेंट है गुजरात से सिर्फ नहीं है, इस देश के बाहर भी गुजरातियों ने जिस तरीके से मेहनत किया, इस देश में भी जिस तरीके से मेहनत किया गुजरात, उसके डेवलपमेंट का नतीजा है। और आप गुजरात में ही बाहर के लोगों को यदि आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे और उसको हिस्सा बनाएंगे राजनीतिज्ञों का और राजनीति का, वो भी चुनावी मौसम में, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले हैं और बार बार राजनीति के बीच में हमको आप झुलाते रहिए, कभी कहिए कि अल्पेश ठाकुर, कभी कहिए कुछ। तो अल्पेश ठाकुर यदि गलत किया है तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? और इससे इस सरकार से बड़ा दोषी बिहार की सिस्टम, बिहार की सरकार 17-15 साल जो लालू जी, नीतीश जी ने राज किया ना, और बिहारी और बिहार को जिस हालात में पहुंचा दिया, आज हम वहाँ भी गाली का कारण बनते हैं और बाहरी बाहर में भी गाली का कारण बनते हैं। हम तो दोषी हैं ही, हम बिहारी और बिहार के लिए खुद के दोस्त भी तो मानते ही हैं, लेकिन यदि आप कानून और संविधान के तहत काम नहीं करते हैं तो आपको एक मिनट भी रहने का कोई राइट इस संवैधानिक पदों पर नहीं है। इस मुख्यमंत्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए। वर्तमान घटना में सबसे ज़्यादा प्रशासन और सरकार दोषी है कि गुंडे को आपने इजाज़त दी। इसका मतलब साफ है कि ये गुंडे को इजाज़त देने में इनके प्रशासन की नंगई थी और सरकार की सहमति थी। ये 4 दिनों के बाद कार्रवाई, जिस देश का प्रधानमंत्री गुजरात से हो और पूर्वांचल में जा कर के वो गंगा मैया भूल गए, वो उनको समुद्र याद आ गया। एक्चुअली आपने बात की लोगों के पलायन की, तो जो DGP हैं वो बिहार से हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जो छठ पुजारी है त्यौहार आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ये DGP साहब को कुछ बुझाता उझाता नहीं है, ये दलाली और चमचागिरी में लगे लगता है, इन्हें तो इनकी कुर्सी चले जाएगा। छठ पूजा आज है क्या? हम तो पहली घटना सुने हैं भाई, अभी दशहरा नहीं शुरुआत हुई, दीपावली नहीं हुआ, छठ पूजा और छठ पूजा में जा रहे हैं DGP साहब? अरे जहाँ से पैदा हुए नमक का कुछ कर दीजिए, शरीयत दे दीजिए ना, यहीं रहिएगा क्या सब दिन? कि बिहार भी जाइएगा, रिश्तेदार लोग बिहारों में हैं, ऐसा नहीं होता है जनाब। ये सरकार को खुश करने के लिए इस तरीके से ही, तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों के बाप बनेंगे ये, तो इसलिए नहीं चलेगा जनाब। ये हम गुजराती और बिहारी भाई भाई हैं, देश में हम भाई हैं, लेकिन इन नेताओं के कुकर्मों के कारण, ये जो नेता है नेता, ये जो वोट और सियासत और सत्ता के कारण जो आप लगातार बिहारी और पूर्वांचली को निशाना बनाते हैं, हम लोग चुनाव में आइएगा तो झुकने नहीं देंगे। हम गुजराती भाइयों के साथ मेरा या किसी अन्य भाइयों के साथ मेरा बिल्कुल दूध और रोटी का संबंध रहेगा और है, वहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिशियन जो हमें निशाना बनाता है, इस पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन का निशाना हम वोट के लिए बने, तो इनको पता चलेगा वोट होता क्या है। सबसे बड़ा दोषी है, सरकार बच नहीं सकती है, सरकार किसी के कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीति नहीं कर सकती है, हम राजनीति नहीं करने देंगे, चाहे कोई दोषी हो सरकार उसको नहीं बख्शे। और सबसे बड़ा दोषी मैं वर्तमान सरकार को मानता हूँ, या कहीं ना कहीं हम हिस्सेदार बन गए पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल सिस्टम के। आज के उपवास के बाद यूपी बिहार में भी उपवास करने के लिए आएगा, तो क्या आप उसको समर्थन करोगे? देखिए एक बात सीधा क्लियर है, हम अल्पेश ठाकुर जी से आग्रह करेंगे आप जांच करा ले, क्योंकि आप पर जो सवाल खड़ा किया गया है कहीं ना कहीं ये सवाल पूर्वांचलियों के मन में है,
लेकिन यदि सरकार उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और कोई FIR लॉज नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह साफ हो जाएगा कि अल्पेश ठाकुर नहीं था कहीं, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं पूर्वांचली होने के नाते, साथ साथ भारत के एक MP होने के नाते यह मांग करता हूं कि इस घटना की पूरी जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या CBI से आप कराएं कि यह घटना क्यों घटी, अभी तक प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं, मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं, जब डबल इंजन दोनों जगह है, बिहार और UP में सभी जगह, और सबसे ज़्यादा बिहार और UP का वोट लेते हैं, तो फिर बिहार और UP को आप गाली और लात का हिस्सेदार क्यों मानते हैं, हमें क्यों आप मक्खी के तरफ बार बार फेंकते हैं और अपमानित करते हैं। हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए हम यहाँ हैं। बिहारियों के भीतर यदि डर पैदा हो गया तो भारत का निर्माण रुक जाएगा। पूर्वांचल के भीतर किसी भी तरह का डर पैदा नहीं हो, इसीलिए पप्पू यादव यहाँ आया। ये इतने दिनों के बाद इनको सद्भावना उपवास नज़र आता है। मैं तो अल्पेश से कहूँगा कि निश्चित रूप से आप यदि साफ हो, सही हो, तो इस सरकार को कहिए कि हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराएं। इसमें दूध का दूध पानी का पानी उनको क्लियर करना चाहिए। और यह बात हमने गुजरात के प्रभारी महोदय से मिल करके भी कहा था और उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर बिहारी या पूर्वांचल के लोगों पर कोई आँच नहीं आएगी, यह एक राजनीतिक साजिश है। अब इस साजिश के पीछे कौन है ये तय तो सरकार को करनी है, और जांच सरकार अपने स्तर से कराए या वर्तमान न्यायाधीश से कराए, तो जांच तो सरकार को करनी है। और अल्पेश ठाकुर पर यदि वो बार बार कह रहा है बिहार में अल्पेश अल्पेश, तो अल्पेश अल्पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यदि अल्पेश है तो उस पर थाने में अभी तक जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर आप अल्पेश ठाकुर के कंधों पर बंदूक रख करके कैसे अपनी गलतियों को छुपाएंगे? आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप सरकार में हैं। कानून से ऊपर कोई अल्पेश नहीं है, राज ठाकरे नहीं है। आपकी मंशा है कि आप इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाएं और पूर्वांचली को भेज करके आप पॉलिटिकल स्टंट बना के 2019 का चुनाव इस स्टंट पर लड़ें। आप किसी ठाकुर सेना के साथ मिलने वाले हैं, किसी के साथ मीटिंग करेंगे? निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। पहले ही हम गुजरात के जो हमारे प्रभारी हैं उनसे हम मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार और पूर्वांचल के साथ जस्टिस होगा, कोई भी किसी कीमत पर पूर्वांचलों के साथ कभी अनजस्टिस नहीं होगा, और जो भी दोषी होंगे हमारे ही लोग क्यों न हों, यदि दोषी होंगे तो निश्चित रूप से हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था की। जब 4 दिनों तक बिहार और UP के लोग पिटते रहे और लोग गुंडे मारते रहे जहाँ यह घटना घटी, देखिए घटना दुखद है, कोई भी घटना को आप सही नहीं ठहरा सकते, किसी भी घटना को, छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो। हम बिहार में हम दंश झेल रहे हैं, हम लगातार बिहार में अभी शेल्टर हाउस को लेकर के हमने दंश झेला है, हम बच्चियों को लेकर के दंश झेला है, हम कस्तूरबा स्कूल के बच्चों को लेकर दंश झेला है। आप किसी एक व्यक्ति के कारण, आप कभी किसी कौम को गलत कह दीजिए, किसी जात को गलत कह दीजिए, एक व्यक्ति के कारण पूरा बिहारी और पूर्वांचल को आप हिम्मतनगर में पीड़िता से मिलने वाले हो? बिल्कुल मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, लेकिन एक बहाना क्यों ढूंढा गया? ये कब से साजिश थी कि एक बहाना इनको मिले और उसके बाद लगातार ये इस बहाने के माध्यम से आपने वो सब कुछ कर दिया जो कभी हुआ नहीं था गुजरात में 30-35 साल के दरमियान कभी नहीं हुआ। और मौन है हमारे, और इस सरकार को एक मिनट भी रहने का राइट नहीं, इनको इस मुख्यमंत्री को अविलंब हटाना चाहिए और इस मुख्यमंत्री को अविलंब रिजाइन कर देना चाहिए। पर जिस प्रकार से अल्पेश कांग्रेस अल्पेश के सपोर्ट में आ गई है, कांग्रेस का रुख किस तरह से नहीं, कांग्रेस को जांच, कांग्रेस का रुख का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है अल्पेश ठाकुर यदि उनके बयानों से ये घटना कहीं भड़की है या वो कहीं दोषी हैं तो कानून काम करेगी ना? वो तो कह रहा है कि आप कानून को काम करना चाहिए, तो फिर कानून काम क्यों नहीं कर रही? और कांग्रेस जांच का सवाल खड़ा कर दिया है। 3-4 दिनों के बाद आप कंसर्स कैसे हो रहे हैं जनाब, चीफ सेक्रेटरी और DGP बिहार का, और सरकार 3 और 4 दिनों के बाद आप, जब 4 दिनों तक हम पीटते रहे, गाली सुनते रहे, हमें कोई रास्ता नहीं मिला, जगह नहीं मिला, दंगा होती रही, सरकार मौन रहा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की,
हम 300 लोगों पर कार्रवाई किए। क्या कार्रवाई किया आपने कि यदि मेरी कहीं गलती है तो हमको जांच करो? तो आप जांच जब करने के लिए आपको तो फिर हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? इतनी बड़ी घटना घट गई, मुझे आश्चर्य है कि मणिपुर में बराबर घटना घटती है, लोग इस तरीके से पलायन नहीं किए थे। जिस तरीके से पलायन आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय, पाकिस्तान के समय में ट्रेनों पर चढ़ चढ़ करके भगाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, ये पहली घटना है पूर्वांचलों के लिए, यूपी और बिहार के लिए, कि आप इतना अपमानित। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि बिहार जो बाहर जाके निर्माण करता है, 22,000 करोड़ रुपया हम देते हैं सिर्फ एजुकेशन, हम आईटी और यहाँ 30-40% लोग यहाँ पर ISIPS और भारत के निर्माण में बिहार का योगदान है, हमारे बैंकिंग सेक्टर में हमारा पैसा है, सभी जगह हम निर्माण करते हैं। बिहार में तो गाली सुनते ही हैं, बिहार के बाहर भी हमको गाली सबसे ज़्यादा बना दिया गया और यूपी के लोगों को। तो ये यूपी के लोगों को गाली और लात के लिए नहीं बने हैं ना, जो देश के निर्माण में सबसे बड़ा जिस बिहार का योगदान हो, और उस बिहार को आप इस तरीके से अपमानित करिएगा, और हमारे ही संघीय व्यवस्था में, जिसका मतलब है कानून से सब ऊपर है। आज तक राज ठाकरे को कभी आपने गिरफ्तार नहीं किया, आज तक उद्धव ठाकरे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाला साहब ठाकरे पर भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो मन में आएगा वो हमारी संघीय व्यवस्था को लात मारते हुए निकलते जाएगा, कानून से ऊपर एक व्यक्ति हो जाए और कानून और संविधान का डर न रह जाए इस हिंदुस्तान में। तो भाई सवाल उठता है कि पप्पू यादव ही नहीं, बिहार और यूपी के हर लोग चिंतित हैं, देश के हर लोग चिंतित हैं, और बिहार और यूपी के जो लोग यहाँ हैं वो क्या यहाँ छोड़ के चले जाएंगे? आप कितना भी भगा दो मार दो, छोड़ के जाने वाले नहीं, हमारे निर्माण में हमारा योगदान है। आप हमें अपमानित कर लो, डरा दो, वो अलग चीज़ है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम आए हैं भारत के निर्माण में और संघीय व्यवस्था के तहत, संविधान के तहत हम यहाँ रह रहे हैं। यदि किसी को चुनौती देना हो ना, इतना ही चैलेंज है, तो ये राजनीति से अलग हट करके चुनौती दें।